बॉलीवुड की पांच इतनी एक्सप्लिसिटली बोल्ड फिल्में जो अगर आज के टाइम पे बनती तो बैन हो जाती और नंबर वन पे जो कहानी है वो आपका दिमाग घुमा देगी। नंबर फाइव गर्लफ्रेंड। ईशा कोप्पिकर और अमृता अरोड़ा दोस्त होती हैं और काफी इंटीमेट भी होती हैं और ये पिक्चर अपनी कहानी की वजह से नहीं, अमृता अरोड़ा और ईशा कोप्पिकर के हॉट इंटीमेट सीन्स की वजह से हुई थी। नंबर चार बूम। गुलशन ग्रोवर और कटरीना कैफ का हॉट सीन आज तक लेजेंडरी है और ये एक ऐसी फिल्म है फॉर ऑब्वियस रीजंस जो अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मोग्राफी से भुला देना चाहते हैं। नंबर तीन मर्डर। मलिका शेरावत, इमरान हाशमी और ढेर सारी फूटती हुई जवानी। ये पिक्चर 2023 में अगर बनती तो कतई रिलीज ना होती। नंबर टू पे है सिन। चाइनी आहूजा एक कैथोलिक प्रीस्ट होते हैं जिनका एक इंटेंसली फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है एक लड़की के साथ। नंबर वन ऊप्स। दो दोस्तों को ऑफर आता है जिगलो बनने का, पहला वाला मना कर देता है, दूसरा वाला हाँ कर देता है और दूसरे वाले को प्यार हो जाता है अपनी एक क्लाइंट से और बाद में उसको पता लगता है कि उसकी ये क्लाइंट उसके बेस्ट फ्रेंड की माँ है। अगर आपको ऐसी और फिल्मों के बारे में पता है तो कमेंट में उनका नाम छोड़ते जाना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।